नमस्ते, आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा की पद्य खंड के 10वें पाठ और जो कि पद्य खंड का अंतिम पाठ भी है, इसके आगे घनानंद के कुछ पद थे जिन्हें इस वर्ष हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, तो केशवदास पाठ के और अंतिम या तीसरे पद पर हम बात करेंगे। तीसरे पद का जो शीर्षक है वह है अंगद और यह रामचंद्रिका नामक उनके ग्रंथ से लिया गया है। रामचंद्रिका माना जाता है कि रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा में केशवदास के द्वारा की गई थी। जो भी है, लेकिन रामचंद्रिका ग्रंथ से यह पद लिया गया है। तीन पद कुल मिलाकर इनके शामिल है और ये इनका अंतिम पद है। और यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लेवे। देखें कक्षा 12 है हिंदी साहित्य और सत्र हमारा रहेगा 2021-22 NCERT वाला कोर्स जो है वह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भी एडॉप्ट कर लिया गया है। इस बार वही कोर्स है। देखे कि सिंधु तरह उनको बनरा तुम पे धनुरे के गई न तरी बांध हो बांधो सो बांध तो सो न बनो उन बारी दी बांधी के बाट करी श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंठ न जानी परी तेलनी तूलनी पूछी जरी न जरी जरी लंक जराई जरी। इस पद में उस घटना के आगे का विवरण प्रस्तुत किया गया है कि हनुमान जब सीता का अपहरण हो जाता है, पता लगता है यनकेन प्रकारेण अपनी कोशिशों से कि सीता का अपहरण रावण के द्वारा किया गया है। वहां हनुमान इस बात की पुष्टि के लिए जाते हैं, पुष्ट करके आते हैं कि हाँ भाई रावण के द्वारा ही सीता का अपहरण किया गया है। उसके पश्चात राम के दूत के रूप में और अंगद जाते हैं। अंगद को पकड़कर या उन्हें बंधक बनाकर जब रावण के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो रावण उनसे पूछते हैं कि तू कौन है, तो वो कहते हैं कि मैं राम का दूत हूं। मैं कौन हूं? मैं राम का दूत हूं। तो उपहास उड़ाने के लिहाज से या उपहास उड़ाने के लहजे में रावण कहते हैं कि कौन राम, मैं किसी राम को नहीं जानता, कौन राम। तब अंगद समझ जाते हैं कि रावण राम का उपहास उड़ा रहे हैं, उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो रावण की भाषा में ही उसे जवाब देना समुचित वे समझते हैं। उसके पश्चात वे बात करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं राम का दूत हूं, किस राम का दूत हूं वो सुनो तुम, कि सिंधु तरो उनको बंदरा, कि उनका बंदर उनका वानर और वानर कौन था, हनुमान, कि उनका वानर या उनका दूत हनुमान भी सिंधु का अर्थ है समुद्र। एक बार पहले ये देख लेते हैं, सिंधु का अर्थ समुद्र, तरो का अर्थ है तैरना या पार करना, बंदरा का अर्थ है वानर या जो कि हनुमान के लिए, पय का अर्थ से तुम पय, धनुरेख धनुष से खींची गई रेखा, जब वो स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ते हैं राम और राम की फिर वो आवाज आती है कि बचाओ हे लक्ष्मण लक्ष्मण बचाओ, तो सीता उन्हें भेजती है, तो लक्ष्मण एक रेखा खींच के जाते हैं कि भाभी आप इससे बाहर कदम नहीं रखना, उससे हम लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं, वही लक्ष्मण रेखा। न तरी पार न कर पाना, कि उससे आगे न जा पाना, बांधोई का अर्थ है बांधना चाहते थे, बांधते सो न बनो कि बांध न सके, वारिधि का अर्थ है वारिधि, वारि का अर्थ जल अर्थात समुद्र, बांधी के अर्थ है बांध कर या पुल बनाकर, बाट करी मतलब मार्ग बना देना, बाट का मतलब रास्ता मार्ग, जैसे हम कहते हैं ना किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यार मैं तो बहुत देर से तेरी बाट देख रहा था, तो मतलब तेरा रास्ता देख रहा था, मार्ग देख रहा था, रास्ता। रघुनाथ श्री रघुनाथ का अर्थ है राम, प्रताप का अर्थ तेज, दसकंठ का अर्थ दशानन या रावण, ने जान परी मतलब समझ ने आना, तेलनी का अर्थ तेल, तुलनी रुई, पूछी पूछ जरी मानी बांधना जड़ना, ने जरी नहीं जल पाई, जरी जड़ी हुई या हीरे जवाहरातों से युक्त, लंक का अर्थ लंका, जराई जरी का अर्थ जला कर नष्ट कर दी। रावण के द्वारा पूछे जाने पर कि कौन राम, तो अंगद जवाब देते हैं कि मैं उस राम का दूत हूं, किस राम के दूत हूं, मैं उस राम का दूत हूं जिनका बंदरा, बंदरा मतलब छोटा सा बंदर, मतलब रावण को भयभीत करना चाह रहे कौन, अंगद, वो कह रहे कि उनका तो एक बंदरा छोटा सा बंदर भी
सिंधु तरकर आ गया, तुम पे धनुरेख तरी ने गई गई न तरी, और तुमसे तो धनुष के द्वारा खींची गई एक रेखा भी पार नहीं की जा सकी। रावण अब तुम अंदाज लगाओ कि तुम उसके एक भाई या उसके एक दास के द्वारा खींची गई धनुष से खींची गई रेखा को पार नहीं कर पाए, और उसका एक बंदरा मतलब छोटा मन है हनुमान को अंगद ने जानबूझकर छोटा किया है, ताकि उसका कि इससे भी बड़े बड़े वीर और हमारी सेना में है, वो हनुमान सिंधु को समुद्र को तैर कर या उसके ऊपर से उड़कर आ जाते हैं, और तुमसे तो एक धनुष से खींची गई एक रेखा भी पार नहीं की जा सकी। बांध तो सोना बने हो कि तुम बांधना चाहते थे, फिर भी बांध तो सोना बने हो, लेकिन फिर भी उसे बांध नहीं पाए। किसे? हनुमान को। उसने बारी दी बांधी की बाट करी, और उसने तो समुद्र को बांध कर या उसके ऊपर पुल बनाकर क्या बना दिया, मार्ग बना दिया, मतलब रास्ता बना दिया था, पूरे समुद्र को भी जिसने बांध दिया, और उस समुद्र के ऊपर से वह तुम्हारे राज्य तक पहुंच गया। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दशकंठ न जान पड़ी कि हे रावण, दशकंठ का अर्थ है रावण, कि हे रावण तुम्हारी समझ में नहीं आएगी किसकी, श्री राम के प्रताप की बात, कि श्री राम का जो तेज है उनका जो पुण्य है उसकी बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। तेलनी तुलनी पूंछ जरी नजरी, कि तेल तुलनी का अर्थ है रुई, तेल का अर्थ है ज्वलनशील पदार्थ है तेल, कि तेल में भीगी हुई रुई उसकी पूंछ पर बांध दी, बावजूद इसके वह न जली, वह नहीं जली। क्या पूंछ? कि तेल से भीगी हुई रुई उसकी पूंछ पर बांध देने पर, इसका अर्थ है बांधना, कि उसकी पूंछ पर बांधने के बावजूद भी उसकी पूंछ तो नहीं जली। जरी लंक जराई जरी, और लंक तुम्हारी सोने चांदी से जड़ी हुई लंका, जड़ी हुई यहां आपने लिखा भी है जरी का अर्थ है जड़ी हुई या हीरे जवाहरातों से युक्त, कि कहते ना लंका सोने की थी, कि तुम्हारी सोने की जो सोने से जड़ी हुई जो लंका थी वो जराई जरी, उसको उसने जला कर नष्ट कर दिया। हे रावण तुम सोच, जिस व्यक्ति के जिस राम के एक छोटे से दूत ने एक बंदरे ने और तुम्हारी सोने से जड़ी लंका को जलाकर खाक कर दिया, जबकि तुमने तेल इत्यादि से भीगी हुई रुई उसके पूंछ पर बांध दी, लेकिन उसकी पूंछ तो नहीं जली और तुम्हारी लंका जल गई, तो सोच के देखो कि मैं उस राम का दूत हूं, तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है। हालांकि ये एक बात अलग है कि सोने की यदि है तो सोना तो आग में जलता नहीं, लेकिन सोने का अर्थ वहां सोना धातु से भी नहीं लिया जा सकता, ये एक प्रतीक होते हैं कि सोने की लंका, मतलब वहां के लोग धनी थे होंगे, इस प्रकार का एक अनुमान हमें लगा सकते हैं। हालांकि इन पे विश्वास कम है, बावजूद इसके हमारे पाठ्यक्रम में जो रहेंगी उन्हें हम बहुत ही तरतीब से तरीके से और उन्हें पूर्व में उनका पूरा अध्ययन करके उसके पश्चात ही हमको आपको पढ़ाएंगे। चलिए अब देखते हैं हमें कि इस पद की विशेषता क्या क्या है। इस पद की विशेषताओं में यदि हम जाएंगे तो सबसे पहले विशेषता तो एक तो यह है कि यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। आप देखेंगे बांधोई बांधते और उसके बाद में बे 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 और उसके बाद में बे, तो बे वर्ण की आवृत्ति के कारण से क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। इसके बाद में जरी शब्द का प्रयोग हुआ है और जरी शब्द का प्रयोग हुआ है लेकिन अर्थ अलग अलग आया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार भी आएगा। तेलनी तुलनी में फिर से अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। तो इस प्रकार से, और एक इसमें एक बात और है, इसमें एक संवाद योजना है। संवाद मतलब रावण और अंगद के मध्य जो संवाद हुआ है, उस संवाद योजना के तहत यदि देखा जाए तो यहाँ पर एक बेहतर संवाद की प्रस्तुति केशव दास के द्वारा की गई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर देवें और अब अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।